हेलो गाइस, आज आंवले की रेसिपी लेकर आए हैं। हमने 2.5 किलो आंवले लिए हैं, इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए हैं। देखिए मेरे आंवले कितने बड़े बड़े और सुंदर सुंदर हैं। अब एक गमले में गैस पर पानी रख दिए हैं। मेरा पानी गर्म हो गया है, अब सभी आंवले को हम पानी में डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए मेरे आंवले में एक उबाल आ गए हैं, अब इसको हम कांटे की चम्मच से चेक कर लेंगे। देखिए हमने कांटे की चम्मच से चेक कर रहे हैं, मेरे आंवले हो गए हैं। अब इसको एक छिद्रे वाले बर्तन में ढाल देंगे ताकि इसका सारा पानी बाहर आसानी से निकल जाए और इसको ठंडा कर लेंगे। आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ये बालों आँखों और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये शरीर के लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है, इनका जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। अब हम अपने आंवले को फोड़कर इसका बीज निकाल लेंगे और हर एक कली को अलग कर लेंगे। अपने सारे आंवले को छत पर डाल दिए हैं। देखिए 2-3 घंटा तक हम इसको धूप में अच्छे से सुखा लेंगे ताकि मेरा अचार ख़राब ना हो। तब तक हम आंवले का मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच जीरा और 2-3 चम्मच काला सरसों और पीला सरसों ले लिए हैं और इसमें 8-10 लाल तीखी मिर्च। इन सभी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे ताकि इन सभी का नमी चला जाए। गाइस हमने इन सभी को अच्छे से गरम कर लिए हैं, देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और मिक्सर जाल में इसको पीस देंगे। सेम पैन में 2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मंगरैल, इन दोनों को हम अच्छे से हल्का गरम कर लेंगे। इन सबको हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, इन सबको पीसेंगे नहीं। हमने देखिए मसाले को हल्का दरदरा पीस लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए इसको ऐस पोजीशन में पीसना है, बिल्कुल ऐसे ही, इससे ज़्यादा नहीं। अब एक खोल लेंगे, इसमें थोड़ी अदरक डालकर इसको बारीक कूट लेंगे। गाइस हम आंवले के अचार में अदरक डालते हैं, इससे आंवले के अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और अदरक शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसको ठंड के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। हमने कूट लिए हैं, अब एक पैन लेंगे, इसमें 500 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। देखिए मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें जो अदरक को कूट कर रखे हैं उसको हम डाल देंगे और इसका पानी जलने तक इसको हम चलाएंगे। इसका पानी हम अच्छे से चलाते हुए चला लेंगे। देखिए इसका पानी अच्छे से जल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें स्वाद के अनुसार नमक 2-4 चम्मच डालेंगे, 4 चम्मच, और इसमें हम थोड़ा हींग डालेंगे। और इसमें 1 चम्मच भरकर काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाला नहीं है, ये लाल मिर्च है, इससे अचार का कलर अच्छा लगता है। और इन सभी को अच्छे से
चला लेंगे ताकि इन सभी का नमी और कच्चापन दूर हो जाए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने आंवले को छत से लेकर आ गए हैं। देखिए मेरे आंवला अच्छे से सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें जो हम मसाले पीस कर रखे थे उसको मिक्स कर देंगे। हमने मसाले को डाल दिए हैं और अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अब तेल ठंडा हो गया है, इसको भी सारे मसाले को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अच्छे से चलाते हुए इसको सारे आंवले को मिला लेंगे। देखिए हमने सारे आंवले को मिक्स कर लिए हैं। देखिए इसका कलर कितना खिल कर आया है। देखिए अब एक शीशे का जार लेंगे और इसमें सारे आंवले को भर देंगे। गाइस मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमने सारे आंवले को जार में भर दिए हैं। देखिए कितना सुनहरा लग रहा है। थैंक यू।